तो भाई लोग, हमने पिछले 15 दिनों से इस चैनल पर कोई भी मार्वल न्यूज को कवर नहीं किया है, लेकिन अब बारी है ये सारी कसर पूरी करने की, क्योंकि इस हफ्ते काफी बड़े अपडेट है मार्वल न्यूज और सुपर हीरोज की तरफ से। एक एक कर इन सब पर बात करेंगे और इन सारे सुपर हीरोज को इंट्रो में जोड़ना ये काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए सीधा फायर करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की वॉचर नडी न्यूज को। मैं हुस्सी 53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज 6 अप्रैल है और अब तक डेडपुल 3 का ट्रेलर रिलीज कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमें इस ट्रेलर के बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेलर हमें इस महीने में कभी भी देखने को मिल सकता है। और रिसेंट में ही एक पोस्टर भी शेयर किया गया डेडपुल 3 की तरफ से, जहां हम डेडपुल का एक वेरिएंट हेडपूल को भी देख सकते हैं। और डेडपुल के ये वाले वेरिएंट की उम्मीद है अगले ट्रेलर में दिखने की। और अगर आप लोगों को डेडपुल के वेरिएंट्स के बारे में इतना नहीं पता और इन वेरिएंट्स की हिस्ट्री क्या है और ये कहां से आए हैं, तो मैंने इस पर एक फुल वीडियो बना दी है, जिसे आप इस वीडियो के देखने के बाद यहां देख सकते हो। और जो हेडपूल हमें डेडपूल 3 में देखने को मिलेगा, तो कुछ थ्योरीज के अनुसार ये डेडपूल वही डेडपूल होगा जिसको हमने 2009 में आई एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में देखा था, और यहां पर हमारे लोगन भाई साहब ने इन डेडपूल का सिर काट दिया था। तो ये जो हमने डेडपूल की कहानी को देखा था, तो इसी डेडपूल को आगे हेडपूल की तरह मार्वल हमें आगे इससे इंट्रोड्यूस करने वाला है। ये सब कैसे होगा इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है, बस एक छोटी सी इंटरनेट पे तैरती हुई थ्योरी है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिलहाल अभी डेडपूल 3 के ट्रेलर आने के बाद हम कई सारी थ्योरीज को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्रेलर हमारे सामने आ जाए। इसके बाद फैंटास्टिक फोर से कई सारी कंफर्मेशन न्यूज है और इस मूवी का मेन विलन गैलेक्टस होने वाला है, और इस चीज को मार्वल ने कंफर्म भी कर दिया है। साथ ही ये भी बताया है कि फैंटास्टिक फोर की ये मूवी किसी दूसरे टाइमलाइन में सेट होगी, इसलिए जो सिल्वर सर्फर को लेकर जो आगे बातें चल रही थी कि हमें फैंटास्टिक फोर में एक फीमेल सिल्वर सर्फर दिखाई देगा, और इस चीज को मार्वल ने कंफर्म कर दिया है, तो इसीलिए हमें इस फैंटास्टिक फोर मूवी में गैलेक्टस के साथ एक फीमेल सिल्वर सर्फर दिखाई देगी। और ये सिल्वर सर्फर जो हमें देखने को आगे मिलेगी, इसका नाम होगा शैला बेल, और जो एक्ट्रेस इसको प्ले करने वाली है उनका नाम है जूलिया गार्नर। तो फिलहाल के लिए एक फीमेल सिल्वर सर्फर तो कंफर्म कर दी गई है फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए, लेकिन कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर की स्टोरी क्या रही है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि फैंटास्टिक फोर मूवी में क्या होने वाला है इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता तो लग जाए। तो कॉमिक्स में 2 फीमेल सिल्वर सर्फर रह चुकी है, इनमें से एक है शैला बेल जो फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए कंफर्म है, और दूसरी है जूना। और ये जो शैला बेल है, ये हमारी ओरिजिनल सिल्वर सर्फर की मोहब्बत रह चुकी है, और इनका प्यार तब तक चला था जब तक रोनिन रेड एक सिल्वर सर्फर में कन्वर्ट नहीं हुआ था, या इसको ये बोल सकते हैं कि गैलेक्टस ने उसे अपना गुलाम नहीं बनाया था। लेकिन बाद में एक समय ऐसा भी आया जब सिल्वर सर्फर की डेथ हो गई और गैलेक्टस को अपने लिए एक हेराल्ड चाहिए था, तब गैलेक्टस ने सिल्वर सल्फर की इस गर्लफ्रेंड को अपने लिए एक सिल्वर सल्फर को तैयार किया, और तब शैला भी एक फीमेल सिल्वर सर्फर बनी। और दूसरी तरफ फैंस को जब ये पता चला कि सिल्वर सर्फर के रोल के लिए किसी फीमेल को कास्ट किया गया है, तो कई लोग इस चीज को देखकर खुश नहीं है। और इस चीज को मैं भी समझ सकता हूँ कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो हमें फीमेल सुपर पावर से इंट्रोड्यूस कराया गया है, उन सब ने अपना एक अच्छा प्रभाव नहीं डाला है हम पर, सिवाय वांडा को छोड़कर। लेकिन अब फैंटास्टिक फोर के लिए एक फीमेल सिल्वर सर्फर को डिसाइड कर लिया है, और इसके लिए भी कई सारे रीजन बताए जा रहे हैं। नंबर 1, ये फैंटास्टिक फोर मूवी दूसरे यूनिवर्स की होगी। तो अब तक आप लोगों को अगर नहीं पता कि मार्वल ने कंफर्मेशन दे दिया है कि जो हमें ये फैंटास्टिक फोर की मूवी आगे देखने को मिलने वाली है, दरअसल ये अलग यूनिवर्स पे सेट होगी। तो यहाँ पर अलग यूनिवर्स का मतलब ये है कि कई सारी पॉसिबिलिटीज, तो इसीलिए यहाँ पर इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा सिल्वर सल्फर को लेकर कि जो सिल्वर सल्फर की प्रेमिका है उसको सिल्वर सल्फर बनना पड़ा, और इसलिए इस मूवी में ओरिजिनल सिल्वर सल्फर की डेथ को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उस ओरिजिनल सिल्वर सल्फर के बिना शैला बी का सिल्वर सल्फर बनना ये काफी नामुमकिन सा है। तो अगर इन्होंने कॉमिक्स के सिल्वर सल्फर के ओरिजिन को उठा के हमें दिखाया, तो जब मूवी में शैला बी के ओरिजिन के बारे में बताया जाएगा, तब हमें ओरिजिनल सिल्वर सल्फर देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और लीक्स हमारे सामने आया कि हमने जो पिछली फैंटास्टिक फोर मूवी देखी थी, जहां हमें उस मूवी में सिल्वर सर्फर को दिखाया गया था, तो ये सिल्वर सर्फर हमें आगे देखने को मिलेगा एवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में। तो इसीलिए मार्वल ने फीमेल सिल्वर सर्फर को यहां पर कास्ट किया है, ताकि एक मेल सिल्वर सर्फर तो है ही, साथ ही उसकी प्रेमिका शैला बी भी अब मार्वल यूनिवर्स में है। फिलहाल के लिए किसी और वीडियो में कवर करेंगे फैंटास्टिक फोर की स्टोरी लाइन को, और कई सारी थ्योरीज के साथ कॉमिक ज्ञान भी होगा कि आखिरकार क्या चल रहा है फैंटास्टिक फोर में। इसके बाद फैंटास्टिक फोर से 4 अप्रैल के दिन ये वाला पोस्टर रिलीज किया गया, और इस पोस्टर में हैप्पी 44 डे लिखा हुआ है, और इस पोस्टर में ह्यूमन टॉर्च बिल्कुल फ्लेम ऑन के मूड में है। और अगर पीछे आप यहाँ पर इस पोस्टर में न्यूयॉर्क सिटी को देखो, तो ये न्यूयॉर्क बिल्कुल एमसीयू के न्यूयॉर्क से मैच नहीं करता,
और इसी चीज को लेकर यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि फैंटास्टिक फोर एक अलग यूनिवर्स में सेट है और इस यूनिवर्स में इन फैंटास्टिक फोर के सिस्टीज का ये न्यूयॉर्क है जो अब फैंटास्टिक फोर के इन्वेंशन और उनकी मदद से काफी विकसित हो चुका है। और सच बोलूं तो हमें इस यूनिवर्स को देखने में मजा भी आएगा क्योंकि हमें सिस्टीज का वो समय दिखाया जाएगा जब फैंटास्टिक फोर की मदद से ये यूनिवर्स समय से पहले एडवांस हो गया और इसलिए हमें एक रेट्रो और फ्यूचर दोनों के मजे देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डेडेबल बॉर्न अगेन सीरीज की। जी हाँ, इस सीरीज की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और शूटिंग से कई सारे लीक्स हमारे सामने भी आए हैं जहां हमने पनिशर के कई सारे फोटोज को भी देखा। इसके अलावा हम व्हाइट टाइगर के लीक्स को हम पहले ही देख चुके हैं लेकिन हमें इस सीरीज में डिफेंडर्स को भी देखना है और डिफेंडर्स की टीम में जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट और अपना डेयरडेविल तो होना ही चाहिए। फिलहाल अभी इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन उम्मीद ये बताई जा रही है कि शायद हमें डिफेंडर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सेट फोटोज से हमने पनिशर के साथ किंग पिन की टास्क फोर्स को भी देखा है और ये विजिलेंट टास्क फोर्स है, इसको बनाया था किंग पिन ने अपने मेयर बनने के बाद जहां वो इस फोर्स की मदद से डेयरडेविल को खत्म करना चाहता था। और जो इस सीरीज की स्टोरी लाइन है वो काफी हद तक अडेप्ट की गई है डेयरडेविल की कॉमिक्स डेविल रेन से। और इस कॉमिक्स में किंग पिन मेयर बनता है न्यूयॉर्क का, डेयरडेविल से लफड़े करता है, विजिलेंट टास्क फोर्स बनाता है अपने लिए ताकि वो शहर के कुछ सुपर हीरोज पर अपनी पकड़ जमा सके और इसलिए किंग पिन का सीधा टारगेट होता है डेयरडेविल। और इस चीज को मैंने पहले ही बता दिया था कि किंग पिन हमें डेयरडेविल में एक मेयर बनता हुआ नजर आएगा और स्पाइडरमैन 4 के लिए ये आगे जाकर मेन विलन बनेगा। और अभी स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग इसी अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और इसलिए हमें आगे भी किंग पिन एक बड़े रोल में नजर आएगा जहां किंग पिन अब स्पाइडरमैन के पीछे लगने वाला है। इसके अलावा मैडम वेब से कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया है जहां अब हमें ये पता चला कि हमें इस मूवी में टॉम हॉलैंड भी दिखने वाला था और इस कॉन्सेप्ट आर्ट को आप यहां पर देख सकते हो जहां एमसीयू का स्पाइडरमैन इज़ेकियल सिम्स से फाइट कर रहा है। और इसे देखने के बाद बस मैं यही कहना चाहता हूं, इसको बनाया क्यों और बनाया तो इसको दिखाया क्यों नहीं। और जहां तक मुझे लगता है कि एमसीयू ने मैडम वेब की स्टोरी को पढ़ा होगा और उसके बाद खूल की उल्टी करके सीधे मना कर दिया होगा कि भाई हमारा एमसीयू का टॉम हॉलैंड यहां नहीं दिखने वाला। इसके बाद द ब्राइड मूवी से अपडेट है जहां हमारे क्रिश्चियन बेल फ्रैंकेनस्टाइन का रोल करने वाले हैं, तो इसको लेकर फ्रैंकेनस्टाइन का फर्स्ट लुक यहां रिलीज कर दिया गया है और यहां पर क्रिश्चियन बेल फ्रैंकेनस्टाइन के इस लुक में काफी बढ़िया लग रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एमसीयू में अब लाइव एक्शन में हमें वॉचर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, फैंटास्टिक फोर में लाइव एक्शन वॉचर देखने को मिलेगा और इसको प्ले कर सकते हैं जेफरी राइट। तो भाई तैयार रहो फैंटास्टिक फोर के लिए, काफी बड़ा धमाका होने वाला है इसमें क्योंकि वॉचर को लाइव एक्शन में दिखाने का मतलब केवल यही है कि एक मल्टीवर्सल खतरा जिसे वॉचर फैंटास्टिक फोर की मदद से सही करना चाहता है। और क्या पता आगे यही वॉचर फैंटास्टिक फोर को लोकी का ये मल्टीवर्सल ट्री भी दिखा दे जैसा हमने व्हाट इफ सीजन 2 में देखा था। इन सब के बाद एमसीयू की एक्समैन मूवी से भी एक अपडेट है कि जहां एमसीयू हमें एक्समैन की जो अगली मूवी देने वाला है इसको अब तक एक्समैन रिबूट कहा जा रहा है, इस मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी लास्ट 2025 से। और अभी कुछ लीक्स ऐसे भी आ रहे हैं कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले कि मार्वल में एमसीयू की पहली एक्समैन मूवी दे देगा। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट है हम सभी मार्वल फैंस के लिए कि 11 अप्रैल को कॉमिक कॉन होने वाला है, तो उसी दिन मार्वल कई सारे टीजर और प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा और कई सारी कंफर्मेशन मिलेंगी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। तो 11 अप्रैल तक हम इंतजार करते हैं और शायद इसी दिन हमें डेडपूल का भी ट्रेलर देखने को मिल जाए, तो लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से भी एक अपडेट है जहां डायरेक्टर सैम रेमी इस मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से भी एक पोस्टर रिलीज किया गया। दरअसल ये पोस्टर नहीं है, ये फर्स्ट लुक है लीडर का। और अगर आपने लीडर को पहले किसी मार्वल एनिमेशन या कॉमिक्स में देखा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस फोटो में क्या गड़बड़ है लीडर के साथ, और अगर आपको पता चल गया हो तो नीचे कमेंट कर देना। इसके बाद एक और कंफ्यूजिंग न्यूज है, उसको भी जरा देख लो कि 4 अप्रैल को डिज्नी ने उस कैलेंडर को हमारे सामने दिखाया जहां उनके मूवी के रिलीज डेट के बारे में लिखा है। और इन्हीं में जब हम यहां 2026 की फिल्म्स में जाते हैं तब यहां पर हमें 5 मई 2026 को अवेंजर द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती है। मतलब यहां पर यह है कि अवेंजर 5 की जगह अब इसका नाम अवेंजर द कैंग डायनेस्टी है। यह गलती से हुआ है या सच में हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा और इसका कंफर्मेशन अभी सिर्फ मार्वल ही दे सकता है। और अभी इस चीज को थोड़ा आधे आधे में रखते हैं, फिलहाल अभी 11 तारीख को अवेंजर द कैंग डायनेस्टी को लेकर काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड से भी एक और अपडेट है जहां अब ये मूवी रीशूट पे भी रीशूट हो रही है और अब तो उसकी पूरी कहानी को पूरे ढंग से बदल दिया है। आई होप इस मूवी से कुछ अच्छा सुनने को मिले कम से कम। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगर आपने यहाँ तक देखा हो और इस चैनल पे नए आए हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जिन लोगों ने यहाँ तक मुझे सुना है वो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।